अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ईद के बाद हम दोबारा से अपनी ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। यूनिट 5 एक्सरसाइज 5B कंटिन्यू थी। एक्सरसाइज 5B के 9 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 है, फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स -100 टू गिव -5। हमने इंटीजर फाइंड करना है कि -100 को हम कौन से इंटीजर पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर -5 आ जाए। हमने वो इंटीजर फाइंड करना है जिसको डिवाइड करने से आंसर -5 आ जाए, मतलब जिसको -100 पे डिवाइड करने से आंसर -5 आ जाए। ये देखें बच्चों, -100 डिवाइड - इज इक्वल -5। यहाँ पे हमने वो इंटीजर फिल करना है कि -100 को हम जो इंटीजर यहाँ पे फिल करेंगे उस पर डिवाइड करने से आंसर -5 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम -100 को -5 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, -100 को -5 पे डिवाइड कर लेते हैं। जो आंसर आएगा, अगर हम उसको जो आंसर आएगा -100 को हम उस पर डिवाइड करें जो भी आंसर आए, तो हमारे पास -5 आना चाहिए। देखें, 100 को -5 पर डिवाइड किया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 0 वैसे ही आ गया। -100 को -5 पर डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 20 आ गया। यहाँ पे क्या फिल करना है, 20। बच्चों, अगर हम -100 को +20 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर -5 आ जाएगा। आप ये चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 11, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। डिवीजन परफॉर्म करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, -63 डिवाइड 7। -63 को हम 7 पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, -63 को ऊपर लिखें और 7 को नीचे। अब 7 1 7, 7 9 63, 7 के टेबल पे कटिंग हो रही है, आंसर क्या आ गया, -9। बच्चों, हमने टेबल पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेबल, उसमें हमने ये देखा था। अब 7 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर के साथ आ गया माइनस। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट, -56 डिवाइडेड बाय -8। -56 को -8 पे डिवाइड करना है, तो ऐसे पहले राइट कर लें, -56 ऊपर और -8 नीचे। माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, अब 8 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 8 1 8, 8 7 56, 8 7 56, आंसर क्या आ गया, 7। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 112 डिवाइडेड बाय -7। 112 को हमने -7 पर डिवाइड करना है, तो 112 ऊपर लिखें और -7 नीचे, ये 7 के टेबल पे हो जाएगी कटिंग। 7 1 7, यहाँ पे 11 है, 7 1 7, 4 आगे दे दिए हमने, यहाँ पे बन गए 42। 7 6 42, आंसर क्या आ गया, -16। देखें, 112 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, आंसर के साथ क्या आ गया, -16। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पार्ट, -231 डिवाइडेड बाय -11। माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, कटिंग देखें 11 के टेबल पे, 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, 1 आगे दे दिए, यहाँ पे बन गया 11, फिर 11 1 11, आंसर क्या आ गया, 21। बच्चों, यही आज की होम असाइनमेंट है, आपने क्वेश्चन 10 और 11 को अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करके